हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र कुमार वर्मा आज आपके लिए कुछ छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं। फ्रेंड्स, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूले। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा यहाँ पे कि जो हमारी थ्री पिन प्लग होता है, यहाँ पे हमारा जो थ्री पिन प्लग होता है, थ्री पिन प्लग होता है उसमें हमारी अर्थिंग जो वायरिंग होती है, अर्थिंग जो लीड होती है, वो हमारी अर्थिंग लीड होती है, उसके दो पॉइंट यहां पे देखेंगे कि वो मोटी क्यों होती है और यहां पे जो वो लीड होती है वो लंबी की होती है, बजाय दो पॉइंट कौन से हमारे पे, फेज और न्यूट्रल के। लंबी क्यों होती है फ्रेंड, जैसे कि आपने मेरे पास यहाँ पे एक थ्री पिन प्लग है, उसमें आप देखोगे कि हमारे पास जो दो पॉइंट है, यहाँ पे जो दो पॉइंट हमारे को दिख रहे हैं ये होते हैं हमारे फेज और न्यूट्रल के। ये दोनों फेज और न्यूट्रल के जो पॉइंट हैं वो हमारे होते हैं बहुत छोटे, बजाय अर्थिंग पॉइंट के आप देखोगे तो ये पॉइंट मोटा और बड़ा होता है। फ्रेंड्स, ये हम देखेंगे क्यों होता है। हमारा जो मोटे होने का कारण यहाँ पे देखे हैं तो मोटे होने का कारण क्या होता है फ्रेंड्स, ताकि इसमें से अधिक से अधिक लीकेज धारा जो होती है वो इसमें से अर्थिंग में, ग्राउंडेड में जा सके। फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे हम घर के अंदर उपकरण देखते हैं तो उपकरण में ऐसा तो नहीं कि हमारे सारे उपकरण प्लास्टिक बॉडी में होते हैं या बैकलाइट के होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे जो कूलर होते हैं, फैन होते हैं, मोटर होती है, पानी की मोटर होती है, उनमें जो बॉडी होती है उनकी वो होती है लोहे की बॉडी होने के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, उनमें जैसे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास हो गई एक पानी की मोटर, यहां हमारे पास एक पानी की क्या हो गई, मोटर हो गई, यहां पानी की हमारे पास क्या हो गई, मोटर हो गई। अगर मान लो फ्रेंड्स यहां पे हमारा फेज और यहां पे हमारा न्यूट्रल, अगर यहां पे ये किसी यहां पे कटा हुआ है, मान लो इसका तार कहीं पे कटा हुआ है और इस बॉडी के कहीं टच होता है तो ये पूरी बॉडी क्या होगी हमारे पास, इसके अंदर से यहाँ पे धारा प्रवाह होने लगेगी। इसमें से धारा प्रवाह होने के कारण क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें पूरे में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण, जैसे अगर मान लो यहाँ पे कोई आकर अगर इस बॉडी को टच करता है तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, उसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसके कारण हम क्या करते हैं, एक तो इसको अर्थिंग करते हैं। अगर अर्थिंग कब होगी फ्रेंड्स, जब यहाँ पे हमारा थ्री प्लग, जो हमारे पास जो थ्री प्लग सॉकेट है उसका अर्थिंग वायर मोटा होगा। अधिक से अधिक धारा जाने के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, उसमें मोटा होना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास एक पतला तार है, पतले तार का रेजिस्टेंस जो होता है, जो हमने देख लिया हमारी वीडियो पहले अंदर रेजिस्टेंस के अंदर, वो उसमें क्या होता है रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, पतले तार पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, बजाय अब इसी के हम यहाँ पे क्या ले लिए, मोटा तार ले लेंगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और धारा वहन क्षमता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा होने के कारण क्या होता है इसमें से अधिक ज्यादा धारा प्रवाह होगी। तो इसी वजह से हम यहाँ पे जो थ्री प्लग पिन है उसमें जो अर्थिंग वायर होता है वो हम यहाँ पे लेते हैं मोटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई इसके मोटे की बात। बात करते हैं अब इसके लंबाई की। लंबाई इसकी क्या होती है, फेज और न्यूट्रल, इसकी जो लंबाई होती है वो फेज और न्यूट्रल से अधिक होती है फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई है वो फेज न्यूट्रल से अधिक होती है। क्यों अधिक होती है वो भी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक 5 पिन सॉकेट है, ये 5 पिन सॉकेट है, इसमें जो अर्थिंग वायर है, अर्थिंग पॉइंट है, ये अर्थिंग पॉइंट भी क्या होता है, मोटा होता है, ताकि लीकेज धारा जो होती है वो हमारी यहाँ पे अधिक से अधिक जा सके। और अब देख लेते हैं ये लंबा क्यों होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो मोटा दिख रहा है आपको 5 पिन सॉकेट के अंदर, ये मोटा इसीलिए होता है ताकि लीकेज धारा हमारी क्या हो, अधिक हो।
लीकेज धारा इसमें क्या हो, अधिक से अधिक प्रवाह हो। जैसे अर्थिंग हमारे पास 5 पॉइंट में तो कनेक्टेड है, अब यहाँ पे हम सिर्फ दो ही वायर यूज में ले रहे हैं, फेज और न्यूट्रल, तो हमारे कूलर फैन या फिर मोटर हमारे यहाँ पे हमारे को शॉक देगी। लेकिन अगर हमारे पास अर्थिंग कनेक्टेड है तो अर्थिंग यहाँ पे हमारी क्या हो पहले जानी चाहिए, बजाय किससे, न्यूट्रल और फेज के पहले जानी चाहिए, किसमें, 5-पिन सॉकेट में, तभी तो हमारा पहले अर्थिंग हो जाएगा, उसके बाद में फेज न्यूट्रल कनेक्ट होंगे। इसलिए फ्रेंड्स को क्या रखा जाता है, बड़ा रखा जाता है। जैसे कि हम इसको देखो, जैसे कि हम इसको कनेक्ट करें 5-पिन को इसके अंदर, तो हमारी फेज न्यूट्रल तो बाहर ही रह गए, जबकि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हमारा अर्थिंग पॉइंट है वो पहले ही अंदर चला गया, पहले ही अंदर चला गया इसके, ये देखिए फ्रेंड्स इसके पहले ही अंदर चला गया, इसीलिए इसको लंबा रखा जाता है, ताकि ये हमारे पास न्यूट्रल और फेज कनेक्ट होने से पहले ही ये क्या हो, हमारे अर्थिंग हो जाए, कोई भी उपकरण हमारा क्या हो, अर्थिंग हो जाए। अब फ्रेंड्स आपसे अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल अर्थिंग जो वायर है वो लंबा या मोटा क्यों रखा जाता है, अब मोटे के लिए आपके लिए पूछ लिया जाए, तो अब मैंने जैसे बताया आपको मोटे के लिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है और धारा ज़्यादा जा सकती है, तो आपको बोल दे कि नहीं ये ऑप्शन नहीं, अगला ऑप्शन बताओ। अगला ऑप्शन आपके पास देने के लिए सिर्फ एक है, क्यों रखा जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख ले जो हमारा 5-पिन सॉकेट है उसमें अर्थिंग जो वायर पिन है वो मोटी इसलिए रखी जाती है, ताकि अगर हमारे यहाँ पे अगर हमारी पतली होगी और हम उसको गलती से या फेज में या न्यूट्रल में लगा देंगे तो हमारी वो अर्थिंग होने के बजाय उसमें ज्यादा से ज्यादा धारा प्रवाह होने लगेगी, इस वजह से हम उसको मोटा रखते हैं, ताकि हम इसमें यहाँ पे न्यूट्रल या फेज में ना लगा सके, यानी कि किसी को अगर प्लग नहीं लगाना आता तो उसको हम नहीं लगा सके, कोई बच्चा इसको गलत लगा देगा तो हमारे उपकरण पहले अर्थिंग नहीं होगा, पहले बजाय उसके वो क्या होगा वहाँ पे फेज उसके अंदर सप्लाई हो जाएगा और उसका कोई टच होगा तो वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे आज का टॉपिक कि यहाँ पे हमारे जो 5-पिन सॉकेट में 3-पिन प्लग होता है उसमें अर्थिंग पिन मोटी और लंबी की होती है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।